और आपको बधाई हो पर्यावरण दिन की, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, और आप ऑफकोर्स यहाँ पर कोई बुक भी लॉन्च कर रहे हैं, डिटेल्स जानना चाहेंगे, क्या कुछ काम अब पिछले एक साल में हुआ है, आज क्या कुछ आप देखते हैं जहाँ पर इंडिया खड़ा है, जिस तरह की हमने यहाँ पर काफी सारी नंबर्स आते हुए देखे हैं। हम आपसे पहले बमन ईरानी से भी बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि बैम्बू का यूजेज अब रियल एस्टेट में, बिल्डिंग्स में, हाई राइजेज में भी होने लगा है, तो अब यहाँ से किस तरह की स्थिति है, किस तरह की चाल है? देखिए मैडम, हमको अगर पृथ्वी पे की मानव जाति अगर बचाना है तो उसमें दो चीज करना पड़ेगी। वो बात ये है कि आज तक हमने इंडस्ट्री यानी क्या समझा, हमने आज तक इंडस्ट्री में जो मशीन लगाई वो मशीन ऑक्सीजन खाती थी, कार्बन बनाती थी और उसमें वस्तुएं निकालती थी, इसकी वजह से 350 ppm कार्बन कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए पृथ्वी पे, लेकिन अब वो 412 होगा, 450 के बाद तो हमारा कोई पृथ्वी पे निशान नहीं बचेगा मानव जाति का, ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है। तो इस सिचुएशन में अब हमको इंडस्ट्री को ही उल्टा समझने का काम करना पड़ेगा, वो इंडस्ट्री की कार्य प्रणाली बदलनी पड़ेगी। वो ऐसी है कि कार्बन खाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और उसमें इंसान को लगने वाली वस्तुएं भी बनाएंगे, ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है। आज मैंने एक देखा कि सारी इंडस्ट्री यहाँ पे पूरी हमारे पास की बिल्डर इंडस्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हुए थे, कंपनी के लोग यहाँ पे आए हुए थे, किसान भी यहाँ पे आए हुए थे, हम सब मिलकर ये सोचना शुरू कर रहे हैं कि पृथ्वी पे मानव जाति भी बचेगी और हमको लगने वाली वस्तुएं भी बनेंगे। तो ये सारा देखने के लिए, ये सारा करने के लिए अब हमको कुछ नया काम करना पड़ेगा। एक साल में क्या हुआ आप अगर पूछ रही है तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अब हम ये सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में 22 लाख हेक्टर में बांस का प्लांटेशन करना हम सोच रहे हैं। नंबर एक, इस साल शुरुआत 1 लाख हेक्टर से हम करने जा रहे हैं और वो 22 लाख तक जाएगी। नंबर एक, ये इतना लगाने के बाद इसका यूज क्या होगा, इसके यूज के बारे में हम ऐसा सोच रहे कि जितने भी देश में थर्मल है, अब सर NTPC के जो थर्मल है, इन थर्मल में 5% बायोमास मिलाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। अब सिर्फ मैं NTPC की बात अगर करूं तो 400 लाख मेट्रिक टन 5% से साल को बायोमास लगेगा, लेकिन सरकार को सिर्फ 2 लाख मेट्रिक टन मिल रहे, 5% से ये 50% पे हो सकता है, तो 5% पे 400 लाख मेट्रिक टन के बजाय 2 लाख मेट्रिक टन मिल रहे, तो 50% कैपेसिटी बढ़ने के बाद कितना मटेरियल लगेगा, तो कैपेसिटी इसकी बहुत बड़ी है। अभी आपने बोमन ईरानी साहब की बात कही तो उन्होंने बिल्ड, अभी उन्होंने अपनी बात कहते हुए ये पर्यावरण दिन की बात करते हुए उन्होंने हमारे सामने ये कहा कि अब सारे बिल्डिंग लाइन में हम पूरा फ्लोरिंग और फर्नीचर ये सारा हम बांबू का करना चाह रहे हैं। बात ऐसी है कि एक मुझे बहुत खुशी हो गई, वो खुशी ये है कि ये सारी इंडस्ट्री अब क्या बोलना शुरू की, आज तक वृक्ष तोड़ के, वृक्ष के लकड़ी का, वृक्ष के वुड का उपयोग बिल्डिंग में होता था, फर्नीचर में होता था और कुछ चीजों में होता था, लेकिन अभी इंडस्ट्री अगर बोलना शुरू करेगी तो अब हम झाड़ या वृक्ष को काट के उसका लकड़ी का इस्तेमाल हमारी इंडस्ट्री में नहीं करेंगे तो हम बांस की लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। एक झाड़ तोड़ने से वो झाड़ मर जाता है, लेकिन बांस के बारे में अगर सोचेंगे, एक तोड़े तो 10 उगते, 10 तोड़े तो 100 उगते। भगवान ने क्या व्यवस्था बनाई है, मेरे रूम में बटन है, एक फैन का है, एक AC का है, एक TV का है, एक रेडियो का है, उसी तरह भगवान ने भी सारी चीजें दी है। इन सारी चीजों का उपयोग हम ढंग से अगर करेंगे, हम नैसर्गिक स्रोतों का ढंग से उपयोग अगर करेंगे तो पृथ्वी बचेगी और पृथ्वी पर का मानव भी बचेगा। आज मुझे खुशी है कि हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर उदय सावंत अभी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर आचार संहिता ये अगर खत्म होगी उसके 48 घंटे बाद महाराष्ट्र सरकार बांस की इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर करेगा, 50 लाख रुपए का लोन गांव के लोगों को देंगे, उसमें 35% 50% सब्सिडी भी देंगे। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो किसान बांस लगाएगा उस किसान को हम 7 लाख रुपए 1 हेक्टर को बांस लगाने के लिए दे रहे, तो इतना बांस उगेगा तो होगा क्या? ये जो जिस तरीके का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस साल 50 हो गया, 52 हो गया, 55 भी होने वाला है और 60 भी होने वाला है 2-4 साल में। जब 60 होगा तो कौन बचेगा? कोई बचेगा नहीं, दो पैर, दो हाथ, दो आंख, दो कान,
ऐसे जो इंसान है, ये इंसान तो पृथ्वी पे कोई बचने वाला नहीं है, और इसको अगर बचाना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और टेम्परेचर कम करना है तो झाड़ लगाना पड़ेगा, और झाड़ में कौन सा लगाना पड़ेगा, जो फास्टेस्ट ग्रोथ है और मल्टी यूज है वो बांस है, उसके माध्यम से ही हम मानव जात बचा सकते हैं, ऐसी हमारी धारणा है। जी हाँ पाशा जी, एक और चीज़ है, ऑफकोर्स नई सरकार यहाँ पर बनने वाली है और इसी बीच मॉनसून की भी शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ अब एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर इसका भी इंतजार कर रहा है कि हम खरीफ फसलों का यहाँ पर MSP आता हुआ देखेंगे। अब आप भी वो यहाँ पर नंबर्स देख रहे हैं, जहाँ तक पर्यावरण की बात है, जहाँ पर बैम्बू को इसके साथ रोकने की बात है, जैसे आपने कहा काफ़ी सारी सहूलतें हैं, सब्सिडीज यहाँ पर दी जा रही हैं, आपको लगता है एज नई सरकार आएगी कुछ और भी यहाँ पर करने की ज़रूरत पड़ने वाली है? नई सरकार के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो पहली समस्या यह है कि एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम अगर सोचना है तो हमारे एग्रीकल्चर को स्टेबल करने के लिए कुछ पॉलिसी तब्दील करनी पड़ेगी। कुछ पॉलिसी 8-15 दिन, महीने दो महीने में बदलती है, कम से कम एक साल तक एक पॉलिसी का डिसीजन लिए तो वो पॉलिसी कम से कम साल भर रहना पड़ेगा। ऐसी स्टेबिलिटी आएगी तो ही किसान का माल कोई खरीदेगा, वो स्टॉक करेगा और किसान को भी दो पैसे मिलेंगे। अनस्टेबिलिटी से किसान बचेगा नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाली सरकार जरूर इस विषय पे बात करेगी। और सबसे बड़ा चैलेंज अब सरकार के सामने जो है, बारिश का आप जो बता रहे हैं, अच्छा मानसून है तो दुबई में हमने देखा कि साल को 70 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां तो एक दिन में 170 मिलीमीटर बारिश हो गई, यानी ढाई साल का बारिश एक दिन में आ गया है। हम तुतीकोरिन को देखे, 960 मिलीमीटर बारिश एक दिन में हो गया, 3.25 फीट बारिश अगर एक दिन में अगर हो गया, कहाँ का एग्रीकल्चर रहेगा, कहाँ किसान रहेगा? तो ये सारी चीजों को बहुत गौर से देखना पड़ेगा और उस दिशा में सरकार को जाना पड़ेगा, तो ये दोनों कामें बनेंगे वरना काम बनेगा नहीं। जी हाँ, काफी सरकार को काफी कुछ करना पड़ेगा और जैसे आपने कहा कि स्टेबल पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एग्री के हिसाब से बनानी पड़ेंगी ताकि फार्मर इनकम, फार्मर वेलफेयर की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए। जाते जाते ऑफकोर्स पर्यावरण पे तो आप काफी काम यहाँ पर कर ही रहे हैं पाशा जी, लेकिन साथ ही जैसे आपने कहा एग्री रिफॉर्म्स भी यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है। जिस तरह से MSP की बात की जा रही है कि 5 से 10% तक का यहाँ पर बढ़त हम यहाँ पर MSP में आता हुआ देखेंगे, दालों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, बाकी कमोडिटीज में एक मॉडरेट देखने को मिलेगा, कैसे देखते आप, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नई टेक्नोलॉजीज है, ज्यादा रिसर्च है, काफी कुछ आप कहेंगे सरकार को अब देखना होगा क्योंकि रूरल की तरफ अब जो नई सरकार है उसका ध्यान ज्यादा जाएगा? देखिए मैडम, आप अगर किसानों की मानसिकता अगर देखें ना, अब जो MSP है वो MSP के रेट पे अनाज बेचने की मानसिकता किसानों की है नहीं। जो बाजार में हाइट जो रेट हुए है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 11,000 रुपए सोयाबीन हुआ था और 4,600 MSP है, अगर कोई कहेगा कि 4,600 का MSP है तो किसान सोयाबीन में खुश है, वो खुश नहीं है, उसको वो 10,000 और 11,000 चाहिए। इसलिए अब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ गया है तो MSP भी बढ़ना चाहिए ना। मैं तो दो जगह हूं, मैं एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का महाराष्ट्र का चेयरमैन हूं, और जो मोदी साहब ने भारत सरकार में MSP का कानून कैसे होना चाहिए बनाने के लिए उन्होंने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी का भी मैं मेंबर हूं, तो मुझे ये देखने के बाद लगता है कि इस दिशा में बहुत ही सोचना जरूरी है, क्यों तो सरकारी अफसरों का ये कहना है कि MSP अगर बढ़ेगी तो किसानों को पैसा नहीं मिलेगा, गलत है। अगर हम आप क्या सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार 4,000 करोड़ रुपए डिफरेंस के लिए दे रही है कपास और सोयाबीन में, क्या कैसे कपास देगी, 4,600 रुपए MSP है और 4,700 रुपए बाजार भाव है, तो कहाँ का डिफरेंस कैसे दे सकते हैं हम? जब तक हम MSP बढ़ाएंगे नहीं तब तक ये डिफरेंस मिलेगा नहीं और किसान खुश होगा नहीं। इसलिए बहुत ही पॉलिसियों पे हमको ये पॉलिसी रिफॉर्म करना चाहिए, इसके ऊपर सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि नई सरकार में ये काम बड़े पैमाने पे होगा और किसान हितैषी सरकार निर्णय लेगी, ऐसा मुझे नई सरकार से अपेक्षा है। ऑलराइट,